પ્લેટફોર્મ કે એને એ બહુ સહજ જીવ છે એને ને ઓલામાં ઘણો ફરક છે આ સહજ જીવ છે એને બહુ જરૂર નથી એ બુદ્ધિશાળી જીવ છે બહુ વાંધા છે એમાં જે બહુ તર્ક વાપરે ને એના માટે વિકટ માર્ગ છે નમન શરણ સમર્પણ આત્મસમર્પણ એ ફરક આવ્યો આપણી શિબિર કરીએ એટલે હા લખી લેજો એ એ મોઢે કે છે મને કે આ તમારી શિબિર કરીને એમાં જ મારી આખું ટ્રાન્સફોર્મેશન થયું છે પછી મેં આ રસ્તો પકડ્યો પણ આ રસ્તો અધૂરો છે એ જે પકડ્યો છે એને સાવ અધૂરો છે અધૂરો નહીં સાવ અધૂરો છે बुद्धि प्रॉब्लम अधूरा ने पूर्व समझी सम्यक दर्शन का स्वरूप समझा ये हमारा छत्र है तीर्थंकर परमात्मा के ऊपर समोह के अंदर देव देवियां से छत्र भगवान के ऊपर दिखा रखकर हमें लोगों को बता रहे के ये देवाधि देव आपको सम्यक ध्यान दे रहे हैं सम्यक दर्शन भी दे सकते हैं अगर आप उनसे लोगे तो और सम्यक चारित्र भी प्रकट कर सकते हैं सम्यक चारित्र यानी निराकुल अवस्था व्याकुल में से बाहर निकला हुआ निराकुल होता है व्याकुलता एक क्षण मात्र लेश मात्र भी नहीं होती है उसको बोलो ये बैठ जा तो इधर और मैं जितनी बार समय बैठू उतनी समय उठे तक नहीं उठे क्या इधर से उधर हिले नहीं उसको बोलते निराकुल अब निराकुल हो कि नहीं आप देख लेना नहीं तो अभी वो लाना है ना બનના તો પડેગા એ બનના તો પડેગા દેર ઇઝ નો ચોઈસ ઇસીલે ભગવાનને છત્ર બતા દિયા ભાઈ સમ્યક દર્શન પ્રગટ્યું પણ હવે સમ્યક ચારિત્ર પગટાવવાનું છે ભાઈ એટલે ઇન્સ્ટન્ટ કોન્સ્ટન્ટ કરેક્શન આ બધું જે છે એ બધું સમ્યક ચારિત્ર છે ટ્વેલ્વ સ્ટેપ ડિવાઇન લાઈફ સ્ટાઈલ ડિવાઇન લાઈફ સ્ટાઈલ કાર છ પરાક્રમ છે પરાક્રમ સાત નિર્ણય सम्यक, सम्यक पुरुषार्थ ये सब सम्यक चारित्र का भाग है यही है सम्यक चारित्र रोज रात को बैठ के आप लोग लिखते हो और फिर अनाउंस करते हो क्या है सम्यक चारित्र है आपको इस प्रकार किसी ने बताया है नहीं है यू आर डूइंग रियल लाइफ सम्यक चारित्र और आपने टोपी पहनी है भगवान के शरण की और जामा पहना है प्रोटेक्शन आपको इस इस समय ये अठारह दिन कोई टच नहीं कर सकता प्रोवाइडेड यू रिमेन हियर मन वचन और काया से खाली काया से रहने से नहीं होगा मन वचन और काया तीनों योग से यहाँ रहोगे आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है गारंटी है ये है छत्र तीन छत्र इस प्रकार प्रभु का स्वरूप है हा नव पद का रह गया था श्री अरिहंतो सकल हितदा उच्च पुण्योपकारा जाने के जिसको ऐसे अरिहंत परमात्मा उनके वचन मिल रहे हैं वो चरम भाग्यशाली है चरम भाग्यशाली और उसका हित ही होगा अगर उसको स्वीकारेगा तो तो अभी आपके हाथ में स्वीकारना के अस्वीकार करना अपनी नवटंकी करना अपने हिसाब से करना अपनी बुद्धि से करना के प्रभु के मार्गदर्शन से करना सिद्धो सर्वे पुरी गामी गामिने ध्रुव तारा यानी क्या बता दिया ध्रुव तारा क्या बताता है दिशा जर्नी की दिशा तो सिद्ध परमात्मा हमें क्या बताता है सिद्धो सर्वे पुरी गामी गामिने ध्रुव तारा वो किसके ध्रुव तारा है मुक्ति पुरी के मुक्ति यानी जिसको मुक्त होना है हमेशा के लिए वो उसके ध्रुव तारे है यानी वही डायरेक्शन को पकड़ना है हमें वो ही मेरा परम लक्ष्य है हम बोलते हैं ना मुझे नहीं होना परेशान मैं हमेशा आनंद में रहूंगा मुस्कुराऊंगा सबसे मैत्री सबकी सेवा हम्म सतत जागृत रहूंगा कितना सब बोल लेते हम तो ये सब क्या है मुक्तिपुरी के तरफ का रास्ता है और ध्रुव तारा कौन है सिद्ध परमात्मा क्योंकि उसी ध्रुव तारे ने हमको किचड़ में से निकाल के यहाँ तक पहुंचाया और अभी हमको बताया कि भाई अभी तुम मैं देख रहा हूँ मुझे मैं दिख रहा हूँ ना उसी दिशा में चलना और कोई दिशा में इधर उधर मत देखना जरा काम नजर पड़ी है आम जरा हाथ मारी काम हाथ मारे तो गुरु जी में शून्य जय जा, जय वर्मा सु दया काम थी विचलित हो गए आप फोकस लाइक दिस वो घोडा का होता है ना ओनली दिस नॉट हियर नॉट हियर डायरेक्ट स्ट्रेट एंड ओनली स्ट्रेट यही बता रहे हैं सिद्ध सर्वे मुगति पुरी ना गामि ने ध्रुव तारा आचार्य जो चे जिन धर्मना अभी इन अरिहंत और सिद्ध परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव मैसेजर कौन है आचार्य आचार्यो जिन धर्म न दक्ष व्यापारी सूरा क्या उसको उपमा दी बिजनेसमैन और कैसे बिजनेसमैन दक्ष यानी पावरफुल ऑल टाइप ऑफ पावर आर देर इन आचार्य भगवंत सो so सारे जगत को अरिहंत परमात्मा के मार्ग पर प्रेरणा करके लाते हैं उनका काम है प्रेरणा करना जगत को तीर्थंकर परमात्मा की में तीर्थंकर का रोल निभाना उतनी बड़ी जिम्मेदारी है आचार्य भगवंत आचार्यों से जिन धर्म ना दक्ष व्यापारी सूरा उसे व्यापारी कहा कि सब आयोजन प्रोजेक्ट्स ये वो फलना जो भी करते हैं वो लोगों को लोगों के समूह को उस प्रभु के दिशा में अरिहंत परमात्मा की दिशा में ले जाने के लिए उपाध्याय घणधर सूत्र दाने चकोरा तो उपाध्याय भगवंत कौन है उपाध्याय भगवंत वो है जो शास्त्र को पूरी तरह जानते हैं गणधर परमात्मा ने जो बताया वो जानते हैं उतना ज्ञान इनके पास है उपाध्याय भगवंत के पास अनुभव ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान तो है ही अनुभव ज्ञान है और अपने अनुभव से छोटे छोटे जीवों को बुला बुला कर प्रेरित करके गाइड करके उसको तारते हैं उपाध्याय गणधरतणा सूत्र दाने चकोरा चकोरा बोला है उनको चकोरा चकोरा यानी इंटेलिजेंटली एंड सॉफ्टली जो भी उसके पास आता है उसको सॉफ्टली एंड इंटेलिजेंटली हैंडल करके भगवान के मार्ग पर चढ़ा देते हैं साधु समूह ने साधु को किसको कहा जाए कौन साधु है पंच महाव्रत धारी काला ड्रेस वाला सफेद ड्रेस वाला भगवा वाला किसको साधु बोले तो यहां बहुत जबरदस्त व्याख्या दी है साधु की साधु कौन है तो के जो आंतर शत्रु के साथ लड़ाई करता है साधु आंतर अरि अरी, अरी यानी शत्रु अरी समूह ऐसे शत्रुओं के समूह के साथ जो लड़ाई करता है अंदर के दुश्मनों के साथ और उसके ऊपर जो विजय पाने की का पुरुषार्थ करता है वो है साधु क्या आप हो साधु ऐसे क्या आप हो क्या आप बन सकते हो अपने घर में रहकर बोलो बोलो हा मैं नहीं बोल रहा हूँ आचार्य भगवान भुवन भानु सूरीश्वर जी ने रास्ता बता दिया साधु वो होता है जो अपने अंदर के दुश्मनों को पहचानता है उसको निकालता है क्या बार बार बोल रहा हूं सदगुरु की निश्रा में इंस्टेंट कॉन्स्टेंट करेक्शन यही तो है यही तो अंतर शत्रु के साथ लड़ाई करनी है सदगुरु की निश्रा में रहकर वो जो ऐसा काम करता है वो साधु है खाली निर्णय ये है कि मैं जीवन भर करूंगा वो साधु है टेम्पररी करूंगा बस उड़तालीस मिनट करूंगा एक घंटा देरासर में रहूंगा और दो घंटा प्रतिक्रमण करूंगा तो उतना ही है वो वो साधु नहीं है वो साधक है और वो भी साधक नहीं आराधक है वो साधक नहीं आराधक है साधक वो होता है जिसके सामने ये है कि परम मुक्ति ये मेरा लक्ष्य है सिद्ध बनना यही मेरा लक्ष्य है और उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग एंड ऑल कम वॉट मे आई एम रेडी जराक मन आ थी गयु ने जराक मने ओलू थी गयु ने जराक मेरे टेंशन वी गयु जराक मेरा कामकाज काज आ गयु ने जराक ओलू थी गयु જરાક ફરાક કઈ નથી હોતું ભાઈ બધું જરાક ને બાજુ પર અહિયાં હવે એક જ ગોલ છે સાધુ આંતર વિક્રમ દંડે દર્શન જ્ઞાનમ હૃદય મળે મોહ અંધાર કંડે તો સમ્યક જ્ઞાન ઓર સમ્યક દર્શન કા સ્વરૂપ ક્યાં બતા ભગવાન ને એ આચાર્ય ભગવંતને ભવન ભાનુસુશ્વરજી ને બતા ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का रोल है हमारे अंदर रहे हुए कचरे को साफ करना दर्शन ज्ञानम हृदय मणने मोह अंधार खंडे और इसके अंदर सबसे बड़ा चोर कौन है मोह मोह क्या कराता है बोलता है गलती भी कराता है और फिर बोलता है ये मेरी गलती सही है इसका नाम मोह आई एम राइट यू आर रॉन्ग रॉन्ग होते हुए भी आई एम राइट जो बोलता है यही मोह है जस्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग इज इक्वल टू मोह उल्टा है पूरा का पूरा फिर भी बोलता है यही है सही है इसको मोह है बोलते हैं और उल्टा सीधा क्या निश्चित करता है सीधा वो है जो सिद्ध पद के तरफ जाता है उल्टा वो है जो उस उस सिद्ध पद के तरफ नहीं जाता है बस इतना ही है सिंपल फल उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है बड़ा शास्त्र खोल के देखने की जरूरत नहीं है इतना फैंटास्टिक ये स्तुति है क्लियर कट है दर्शन ज्ञानम हृदय मण ने हृदय मृ क्यों बोला बुद्धि बड़ क्यों नहीं मण नहीं बोला मन बल मल नहीं बोला चित्त चित्तमल नहीं बोला क्या उनको आता नहीं था ये सब क्या बोला हृदय मण ने मोह अंधार खंडे यानी हृदय के अंदर तीन है तीन चीजें चित्त मन बुद्धि तीनों है और अहंकार है चार है अंतकरण बोलते उसे तो अंतकरण की शुद्धि करना यही है दर्शन ज्ञान का रोल चारित्रे छे रहित तो हो जिंदगी जीव ठारे अब चारित्र का डेफिनेशन बताया है कि चारित्रे अग्रहित तो हो अग अग यानी अग्नि अगन अंदर की जलन जहां कोई अंतर की जलन नहीं है उसको ही सम्यक चारित्र कहते हैं जहां आपके अंतर की जलन है तो आप सम्यक चारित्र में नहीं हो चारित्रे छे अग रहित तो हो जिंदगी जीव ठारे ठरे हुए हो शांत है एकदम निराकुल है उसके अंदर कोई हलचल ये वो कुछ नहीं है शांत है एकदम दुनिया शायद ऊपर से नीचे पटके ये हो ते हो ये आप अपनी मस्ती में हरफन मौला मन प्रसन्नता में हाँ और ये जो मन प्रसन्नता में थी इसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं मन की प्रसन्नता को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं उसको लिंग के साथ कोई मतलब नहीं है स्त्री पुरुष के लिंग के साथ कोई मतलब नहीं है अब समझ में आया चार इतरे छे अग्रहित तो हो जिंदगी जीव उठा रहे नवपद माह है छे जे समाधि प्रसार है सबसे बड़ी बात बोल दी ये पूरे जगत का भ्रम तोड़ दिया आचार्य भगवंतो भगुन ने भगवंत ने भोव भानु गुरु भगवान ने पूरा भ्रम तोड़ दिया तब का तब की व्याख्या दे दी नवपद मा है छे तब जो विशेष और श्रेष्ठ तब वो होता है जो समाधि देता है अगर आपको समाधि नहीं है तो तप नहीं है मैंने क्या बोला था अभी फेस पे स्माइल है उसी को समाधि बोलते हैं स्माइल नहीं है तो तप नहीं है ये हमारे गुरुदेव ने बता दिया स्तुति में डाल दिया ताकि सालों साल लोग पढ़ते रहे समझते रहे तप का स्वरूप क्या है सो so, आप जो हम ये जो व्हाट्सअप कर रहे हैं ना सबसे बड़ा तप है चलो करते हैं। आज का दिन अद्भुत है आज का दिन अद्भुत है।, है।, है कुछ भी हो जाए भी हो मैं आनंद में रहूंगा, रहूंगा। मुस्कुराता रहूंगा।, रहूंगा हर व्यक्ति हर वस्तु हर परिस्थिति सबके साथ आनंद में रहूंगा मुस्कुराऊंगा सबके साथ मैत्री में रहूंगा सबके साथ बोलो आगे सबकी सेवा करूंगा बिना कारण करूंगा अभी मुझे करने का बंद करना चाहिए आपको ही कराना चाहिए वन बाय वन सबको वन बाय वन कराना है नीचे क्यों अभी यहां क्यों नहीं ऐसा है, तो याद क्यों नहीं दिलाया? इतने दिन क्यों वेस्ट किया हमारा नहीं तो घर में जाके कुछ करेंगे नहीं आज का दिन अद्भुत है आगे क्या है आगे क्या है भूल गए चलो अभी छोड़ दो ये करने का से शुरू करूँ इतने जोर आवाज में डॉक्टर साहब स्वर्गलोक में थे कीर्ति भाई की बात कर दी हमने <laughs> <laughs> रूम पार्टनर अच्छी तरह जानते कि मेरा पार्टनर कैसा <laughs> <केपे बना। laughs> क्या नींद में <laughs> उत्साह दिला <laughs> दिल में हो तो उसका धंधा है पैसा है जितने पैसेंट आते उत्साह लेकर जाते हैं उत्साह से ही ठीक हो जाता है दवाई की जरूरत नहीं है चलो कराओ डॉक्टर साहब बुलावा है बोलो आप खड़े एक और बोलो तो आपकी नींद उड़ जाएगी सब खाली व्हाट्सअप व्हाट्सअप आज का दिन अद्भुत है आज का दिन अद्भुत है आज का दिन अद्भुत है आज का दिन अद्भुत है।, है।, है प्रभु कृपा और गुरु कृपा से मिला है प्रभु कृपा और गुरु कृपा से मिला है कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए मैं हमेशा मैं हमेशा आनंद में रहूंगा आनंद में रहूंगा मैं हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहूंगा मुस्कुराते रहूंगा हर व्यक्ति हर व्यक्ति हर वस्तु हर वस्तु हर परिस्थिति हर परिस्थिति साथ आनंद में रहूंगा सबके साथ आनंद में रहूंगा मुस्कुराते रहूंगा मुस्कुराते रहूंगा सबसे मैत्री सब करूंगा सबसे मैत्री करूंगा सबकी सेवा करूंगा सबकी सेवा करूंगा बिगर कारण उपयोगी बनूंगा सबके लिए बिना कारण उपयोगी ज्ञान ज्ञान प्रकट कर पूर्वक करूंगा ज्ञान पूर्वक सेटिंग करूंगा इंस्टेंट कांस्टेंट करेक्शन करूंगा इंस्टेंट कॉन्स्टेंट करेक्शन करूंगा इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा ईमानदार रहूंगा ईमानदार रहूंगा सातथ्य में रहूंगा सात्य बढ़ाऊंगा लगे रहूंगा जब तक मैं परम मुक्त दशा न प्राप्त कर लू लगे रहो मुन्ना भाई भाई थैंक यू ऑफ यू लव यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस